के घर पर इस समय हम मौजूद हैं, उनके परिवार वाले यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे कल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ घटनाक्रम कल पेश आया था। आपको बता दें कि कल मृतक आर्मी जवान अमन सिंह के ससुर अमित सिंह के जो ससुर थे दौलत राम जी, उन्होंने गोली मारकर अमित सिंह यानी कि अपने दामाद की हत्या कर दी थी। जो आमिर हैं अमित सिंह, मृतक अमित सिंह के भाई हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब ये गोली चली सबसे पहले आमिर जो है ठीक इसी स्थान पर पहुंचे थे और इन्होंने क्या कुछ उस समय देखा, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले आपको बता दें कल इस मार्फत हमने दो वीडियो चलाए थे, एक लाइव वीडियो था, एक रिकॉर्डेड वीडियो था। जो दूसरा वीडियो था यहाँ आकर हमने कवरेज की थी, और पहला वीडियो हमने लाइव चलाया था, उसमें हमने ये कहा था कि अमित सिंह के परिवार वालों की और दौलत राम की अंदर बातचीत चल रही थी, जबकि ऐसा नहीं था। दौलत राम गेट के पास आए थे और यहीं पर पूरा घटनाक्रम जो है, जो ससुर दौलत राम ने अपने दामाद अमित सिंह को गोली मारी थी, वो इसी स्थान पर पूरा घटनाक्रम जो है वो हुआ था। अंदर बातचीत नहीं हुई थी। अब क्या कुछ पूरी बातचीत थी, क्या मामला था, वो आमिर से समझने की कोशिश करेंगे। आमिर, सबसे पहले ये बताइए कितने राउंड जो गोली चली थी और किस किस को गोली लगी थी, क्या हुआ था पूरा? फायर कोई 3-4 फायर किए हैं, ठीक। जैसे ही थोड़ा सा हुआ है, मैं ऊपर वाले घर पे था, वहां से मैं जैसे ही मृतक आपके जो ब्रदर है अमित सिंह इस घर पे रहते थे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस घर पे, और बाकी जो दो ब्रदर हैं वो सामने की तरफ है। हम सामने वाली साइड रहते हैं, घर वाले भी हैं, मम्मी पापा मैं भाई, ठीक, प्लस मेरी वाइफ। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा शोर आया, ठीक, उसके बाद शोर के बाद मैं एक मतलब 15 सेकंड के अंदर आ गया, 15 सेकंड के अंदर मतलब बीच रास्ते में गोली की आवाज आई मेरे को। जैसे ही मैं इस जगह पहुंचा, पहले आपको आइडिया हो गया था कि कुछ यहाँ पे चल रहा है, कुछ आवाजें आ रही हैं। हाँ, आवाजें आई। जैसे ही मैं पास ही पहुंचा था तब तक गोली की आवाज आई। जैसे ही मैं पहुंचा तो बड़े भाई को गोली उन्होंने सीने पे मार रखी थी, जैसे ही दौलत राम ने उन्होंने ऐसे पकड़ा और उन्होंने मेरे को बोला कि इसने मेरे को गोली मार दी, इशारा किया या बोला? बोला मेरे को कि इसने मेरे को गोली मारी, बस इतनी बात हुई। तो मैं इधर खड़ा हो गया, बड़े भाई की वाइफ और उसके पापा वो दोनों सामने बिल्कुल खड़े थे, ठीक। मैं उसकी साइड दौड़ने लगा, मुझे बोलने लगा मैं तेरे को फायर कर दूंगा। मैंने बोला कर दे फायर। उसने दो फायर किए, मुझे दो या तीन फायर किए हुए। उसके दौरान मेरे को ये देखो ये पूरा रोंद का निशान लगा हुआ मुझे, ठीक। उसके बाद मैं वहां पर पहुंचा और मैंने उसकी गन छुड़ाने की कोशिश की। गन जैसे ही मैंने छुटाई, ठीक वैसे ही बड़े भाई की वाइफ मेरे को पकड़ गई और बोलने लगी पापा भागो। वो भागने लगे, मैंने हाथापमुक्की में भाभी को धक्का दिया और उनके पीछे लगा, मैं उनको मैंने आगे पकड़ा, ठीक। उसी तक बाकी लोग भी आ गए थे। हाँ, बड़े पूरा मोहल्ला आ गया था तब, ठीक। उसको मैंने पकड़ा, जैसे ही उसके बाद छोटा भाई आ गया था, उसके बाद गाड़ी में डाला, हम सीधा हॉस्पिटल निकल गए, बस जी। तो उसके बाद फिर हॉस्पिटल में रेफर किया गया, तो कटरा के पास। हाँ, कटरा पहुंचने से पहले ही डेड हो गए। कारण क्या था, दौलत राम क्यों यहाँ पर आए थे, आखिर कारण क्या था, क्या कोई विवाद था पति पत्नी के बीच में? विवाद तो कुछ नहीं था, शायद लड़की ने बुलाया होगा फिर अपने पापा को। हाल ही में कुछ हुआ था, पिछले एक दो दिनों में या पिछली रात को कुछ ऐसा हुआ था दोनों के बीच जिसके बाद ये? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पुलिस आई थी, पुलिस ने बयान आपके लिए अभी या फिर? नहीं, अभी तो नहीं लिए हैं, ऐसे हॉस्पिटल में लड़की ये लिए होंगे। हाँ, अभी तो। चलिए, आपसे भी बातचीत, आप ब्रदर हैं उनके जी, आप कब पहुंचे यहाँ पे, घर पे ही थे आप या फिर बाद में आप आए? मैं भी बड़े भाई के पीछे पीछे ही था, तो यहाँ पहुंचते ही तो भाई ने बोला उसने मुझे गोली मार दी है, तो मुझे उन्होंने कहा जा अंदर से गाड़ी की चाबी लेके आ, तो मुझे हॉस्पिटल छोड़ दे। मैं अंदर गया, मुझे खून बह रहा होगा यहाँ पे, उन्होंने ऐसे हाथ रखा हुआ था, मुझे बोला चाबी लेके आ। मैं गया, चाबी लाई, मिली नहीं मुझे चाबी। मैंने बुलाया बाहर से, मैंने बोला मुझे चाबी नहीं मिली। वो खुद अंदर आए, उन्होंने मेरे को चाबी दी, गोली उन्हें लगी थी, वो अंदर तक आए। हाँ, वो अंदर आए, उन्होंने मेरे को चाबी दी, मैंने गाड़ी मोड़ के यहाँ लगाई, वो दरवाजे के पास गिर गए। उसके बाद यहाँ पर मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, हमने उठा के गाड़ी में डाला, फिर मैं हॉस्पिटल ले गया उनको। तो आप क्या मांग आप कर रहे हैं, अरेस्ट कर दिया गया दौलत राम को, क्या कारण क्या लगता है, वो यहाँ पर बंदूक लेकर यहाँ पर क्यों आए होंगे, बातचीत करने आए थे या उनकी लड़की ने बुलाया था, क्या लगता है आपको, कुछ पता चला है? बातचीत करने का कोई मामला ही नहीं, क्योंकि ना तो मेरा जो बड़ा भाई है उनकी कोई बातचीत उनके साथ होती थी, ना मेरे फैमिली किसी मेंबर के साथ उनकी बातचीत होती थी, तो बातचीत करने का कोई मामला था ही नहीं, तो वो
इनका प्लान होगा, कुछ भी ना कुछ तो होगा जो मतलब भाभी ने बुलाया होगा बाहर, तो वैसा वैसा हो गया जी। चलिए, मृतक आर्मी जवान अमित सिंह के पिताजी केवल सिंह जी भी हमारे साथ हैं। ये शायद कल घर पे नहीं थे, बाद में ये पहुंचे। कल आप कहाँ पे थे? मैं अपने ससुराल में गया था, 10 तारीख को ससुराल में चले गया था मैं साले के साथ, और 11 को वापस आया। जैसे मैं तलवाड़े में पहुंचा तो मेरे को मैसेज मिला कि अमित के ससुर ने गोली मार दी अमित को, ठीक है जी। मैं जैसे पहुंचा हॉस्पिटल, बस स्टैंड से ऑटो किया और इधर पहुंचा हॉस्पिटल में, तो उस वक्त वो अंदर से अमित को लेकर एम्बुलेंस में लोड कर रहे थे, मैं उसके साथ चले गया। फिर कटरा तक गए हम, कटरा उनकी डेथ हो गई। इनकी प्लानिंग जो बहुत दिन से चल रही थी प्रॉपर्टी के चक्कर में। अमित सिंह इस मकान में रहते थे पहले? आप तमाम फैमिली जो मेंबर थे, एक पहले पूरी फैमिली हम एक इकट्ठे थे, अभी 10-15 दिन से हम इनको हमने लग छोड़ दिया था। लड़का बोलता रेडी, अभी बाहर का कवर रहने से वो फायदा नहीं, वो इनको इधर छोड़ देते हैं। मैं बोला ठीक है। अभी ये लड़का मेरा बड़ा और बहू मेरी बड़ी दोनों इधर रहते थे, दो बच्चे थे इसके, ये दोनों इसी घर में रहते थे। कोई विवाद कोई मतलब नहीं, इनका खाली प्रॉपर्टी का चक्कर था। लड़के का जो ससुर दौलतराम, इसका और लड़की का इतना कोई तगड़ा प्लानिंग था इनका। एक बार लड़का ऊपर गया था और ये दौलतराम के दो बड़े लड़के और दौलतराम खुद लड़के को मारने के लिए आया, लड़का उधर से बच के निकला। अब इसने बोला था कि तू ना मेरे घर आएगा, दौलतराम ने बोला तू मेरे घर नहीं आएगा, इसने मना कर दिया, बोला मेरे घर तू नहीं आएगा, बात ही खत्म। अभी इन्होंने फिर 15-20 दिन हुए थाने में लेके आ गया। अच्छा, 15-20 दिन पहले मामला थाने तक? हाँ, थाने तक लेके आ गया लड़की को, जो है उधर इनकी बातचीत हुई, वो बात उधर ही खत्म होगी इनकी सबकी। बोला भाई लड़की अकेली रहेगी, मान ली अकेली। मैं बोला ठीक है भाई, अभी देखो हमने ना वो खिड़की लगाई ना दरवाजा लगाया, हम ऐसे सो रहे हैं उधर ऊपर में। हाँ जी हाँ, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि उस तरफ भी कैमरा। हाँ, हम तो आपकी बातचीत होती थी दौलत राम जी से कभी? हमारे कभी बात उससे हुई नहीं है। शादी में हुई थी जब लड़का शादी कराया था हमने, उस दिन से लेकर आज तक दौलत राम ने खाली प्रॉपर्टी का चक्कर ही रहा। इसने ये नहीं बोला कि आप अच्छे हैं। जब लड़का छुट्टी आता था वो लड़की को 10 दिन पहले ऊपर अपने घर में बुला लेता था, खाली प्रॉपर्टी चक्कर। लड़की की साजे से ही उस दौलत राम ने लड़के को गोली मारी है। तो आपको क्या लगता है इसी इरादे से यहाँ पर पहुंचे थे या यहाँ पर आकर कुछ वाद विवाद हुआ होगा? कोई वाद विवाद नहीं हुआ, लड़की अंदर थी और लड़की दौलत राम ने लड़की को बुलाया बाहर गेट में, हैं लड़की गेट में आई जैसे, तो फिर लड़के को बुलाया उसने, बोला आदू के पापा डेडी आपको डेडी बुला रहा है। जैसे लड़का गेट में आया दौलत राम ने पहले ही कहा करके रखा हुआ था। आप ये कहने की इसी इरादे से वो? जी जी, इसी मारने के इरादे से आया, तीन आदमी को मारने इरादे से आया था, एक मेरे को, एक मेरी घरवाली को, एक मेरे बड़े लड़के को। वो बता रहा है मैं तीनों को मारने आया था, मैं तो घर था ही नहीं, घरवाली थी। जब उसने फेर किया वो पीछे हो गई उधर से, वो इधर पहुंचे नहीं थी उस वक्त। तो पूरी प्रॉपर्टी के चक्कर में इस दौलत राम ने यही काम किया है। आपको कभी लगा था कि मामला यहाँ तक पहुंच जाएगा कि गोली मार देंगे ससुर अपने ही दामाद को? कभी ऐसा दिमाग में आया था कि इस कदर मामला पहुंच जाएगा? ये ऐसा तो कोई कर नहीं सकता ऐसा, मतलब अपना बेटा अपने बाप, मतलब अपना बाप अपने बेटे को तो कभी ऐसा मामला करेगा नहीं। तो वो आप प्रॉपर्टी के चक्कर में, अगर भाभी और उनके पापा अगर प्रॉपर्टी के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं तो वो उन पर डिपेंड है कि वो उनकी सोच कहाँ तक है। हमें तो इंसाफ चाहिए हमारे भाई का आगे जी। चलिए, तो कहाँ कहाँ पर गोली? एक एक गोली यहाँ पर लगी है, आपको बता दें, जो आमिर ने बताया कि जिस तरह से जो अमित सिंह के भाई हैं उन्होंने बताया कि ये गोली आपको, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ चलाई गई थी? दो फायर किए मेरी तरफ। अच्छा, हाँ, तो वो गोली आपको नहीं लगी, यहाँ हाँ, पे लगी, यहाँ पे जाके लगी है। उसके बाद मैं उनकी रफल छुटा ली है। जी चलिए, एक युक्ति, आप भी यहाँ पे थे? सामने वाले घर पे थे? हाँ, मैं सामने वाले घर पे थी, मैं भाभी रूम में घर थी, मुझे गेट खुलने की आवाज है, मुझे लगा मेरा भाई बाहर आ रहा है, मैं बुलाती हूँ उसे, तो मुझे आवाज आई, मेरी भाई बोलती आदू के पापा बाहर आओ, डैडी बुला रहे, मतलब उनके डैडी बुला रहे हैं। मैंने बस सुना, मैं यहाँ बाहर तक आ गई, मैं सोचा क्या था, मैं फौजीबाज जाती हूँ, मतलब भाई से बात करती हूँ। तब तक मैंने देखा कि मेरे भाई को, मुझे नहीं पता कहाँ से आई बंदूक, बाकी सामने से फायर हुआ, मेरे भाई ने ऐसे पकड़ लिया, मेरे भाई थोड़ा थोड़ा काम पे लगा, थोड़ा सा काम पे
नंबर लगा, मैंने बड़ी में आवाज में, बड़ी मां लगता है फौजू की लड़ाई हो गई है, बड़ी में दौड़ के आए मेरे भाई अमीर भैया सभी दौड़ के आए मेरे से, मैं वहां खड़ी रह गई, अमीर भैया यहाँ पहुंच, मैं जैसे यहाँ पे आई मेरे भाई भी पकड़ के खड़ा ही था, मैंने बस देखा सामने उनका ससुर तो पूरी पोजिशन खड़ा हुआ था, उसकी आंखें बिल्कुल रेड थी, मैंने बस इतना ध्यान दिया कि उनकी बेटी भी छोटी थी वो वहां पे अकेली, मैं अंदर गई, मैंने बेटी को फोटो उठाया, मैं आके बाहर देखा मेरे भाई ऐसे घर था, और शायद कार की चाबी लेने अंदर गई, रूम में गई तो मैं मिली नहीं, मेरे को अजीबा बोलते हैं मिल नहीं रही, हमने इतने ढूंढी मिली नहीं रही थी, फिर भाई भाई मेरा खुद यहाँ से चिपके गन लग गई थी, फिर भी अंदर चल के गया, और मेरे को जैसे चाबी अजीबे को हाथ में दी वैसे मेरा भाई, मैंने देखा थोड़ी थोड़ी सी आंखें बंद और थी, मैंने बस हाथ दिया, तब तक मैंने देखा मेरे बाजू में गिरने लगे, मेरे हाथ में उनकी डॉटर भी थी और एक हाथ में वो थे, गिरने गिरने लगे बिल्कुल ही गिर गए, फिर उनका खून खून निकलता रहा, मैंने सबको बाजे मारी, लेकिन जो अमीर भी और थे वो उसको पकड़ने गए थे, दौलत राम को पकड़ने, उनके ससुर को पकड़ने गए, अजीबे गाड़ी निकाल रहे थे, मेरे से अकेले हिलने नहीं थे, फिर कोई 5 मिनट के बाद सभी लोग आ गए, फिर लोगों ने उठाया यहाँ पे अंदर डाल लगे, उसकी वाइफ मुझे कहीं पे नहीं दिखी थी, हमको गन लगी है क्या हुआ है, उसकी वाइफ लास्ट में आई जब हमने उनको अंदर गाड़ी में डाल लगे, मैंने उनको धक्का मार दिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मेरी भाभी ने ऐसे बोला, मैंने उनको धक्का मारा मैं आप नहीं जाओगे, लेकिन वो जबरदस्ती चली गई। केवल जी आप कब से साईं लांजन के आप मूल रूप से रहने वाले हैं, यहाँ कब से शिफ्ट हुए थे आप? इधर मेरे को कम से कम 6 साल के लगभग होने जा रहे हैं। तो अमित सिंह की शादी कितने साल पहले हुई थी, बच्चे कितने? तकरीबन 5 साल पहले हुई थी अमित सिंह की शादी, और 2 बच्चे हैं उसके, एक लड़का तकरीबन 3 साल के लगभग का है, लड़की कोई साल सवा साल की है। तो ये कब से छुट्टी आए थे अमित सिंह? अमित सिंह छुट्टी आया था 18 को, तो शायद इन्होंने 1-2 दिनों में जाना भी था कुछ ऐसा था? नहीं, इन्होंने जाना नहीं था, अभी 18 के बाद ही जाना था इन्होंने, अगले महीने भी जानी थी, एक जैसे 18 तारीख को जी जैसे जी घर में आया तो अब जी बहू तो ऊपर ही थी, बुलाया भाई, बोला अच्छा इसी बार जब ये छुट्टी आए थे उसी दौरान इन्होंने अपनी बीवी को ये लेने गए थे या बुलाया था? ना हम लेने नहीं गए, वो खुद जाती थी, कोई से झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, चीज नहीं, खुद अब चले जाती थी, बुलाने का कोई मतलब नहीं रहा इसमें हमारा, ना उन्होंने बोला आने के लिए ना बोला जाने के लिए। एकदम वो फिर दौलतराम 7-8 एक लड़की को लेके खुद था इधर आ गया सेल में, बोमन सेल में, हाँ बस उधर इनकी बातचीत हुई सबकी, मेरे को बुलाया था, मैं उधर बता दिया इनको भाई प्रॉपर्टी के चक्कर है, ये दोनों बाप और बेटी ये प्रॉपर्टी चक्कर में ही है, पूरा जो कसूर है मेरी बहू का है, बहू का और बाप बेटी का, इन्होंने पूरा फुल प्लानिंग से मेरे लड़के को गोली मारी है, अगर मैं घर में था ही नहीं, अगर मैं घर में होता तो गोली थोड़ी मारता, उसको मालूम था घर में है ही नहीं, हैं बच्चे उधर थे सब, उसी वजह से इन्होंने प्लान करके गोली मारी है। तो अब पुलिस बयान शान अभी नहीं हुए आपके, होने जा रहे हैं? हमारे अभी कोई बयान किसी ने लिए नहीं है, पहली बार आप बयान ले रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमारा पुलिस से बात हुई शायद आज बयान आपके होंगे जी, अभी हमारा कोई बयान नहीं हुआ अभी तक, हम ये सोच रहे हैं कि हमारा बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। पुलिस पर भरोसा है आपको? हमको सब पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है, हमारा जो बिल्कुल साफ जो बयान जब हमारा जो कार्रवाई बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो मृतक अमित सिंह की माता जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अंदर रो रो कर पूरे परिवार का ही हालत जो है वो खराब है, और कल भी हम यहाँ आए थे और हमने कोशिश की थी कि इनके परिवार के सदस्यों से बातचीत की जाए, लेकिन ऐसे कुछ हालात नहीं बन पाए, क्योंकि उस समय अंतिम यात्रा होनी थी और उस समय हम बातचीत नहीं कर पाए थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से रो रो कर अमित सिंह के जो माता जी है उनकी हालत खराब है। मेरा पुत्रा, मेरा बच्चा, मराई दे लाड़ी ओ बजिए बजिए तो कह दे ये ले तई बार ओ पुत्रा ओ बजिए बचिए सबकी दिता ही तुई ओ बचिए बचिए घर कोठी भी लिखिए दिती ओ बच्चा बचिए बड़ी डरानी मेरे पुत्र ही ओ बचिए ओ पुत्रा यूं कुत्ते जाई ओ बचिए मेरा बड़ा सोना पुत्री ओ बच्चा बचिए तू जेठा पुत्री माऊ दा ओ बचिए
बचिए होना उखवा जाई हो बच्चा बचिए पावदा सब के कदम आइए हो बच्चा आए आए बचिए मेरा पुत्र जिंदा करिए देन ओ माए लाड़ी नसीए दी उसे मराया सदिए वे उसे बब सद्या वे अंदरा डैडी बुला दे जिया गेट खोले आऊंगा ही गोली मारूड़ी हुए मी आवाज एक आई पुत्रे दी हुए अग लगे हाथ बीज ने गल करो मेरे गड्ढे बस एडी गल की फिर ये मेरे ऊपर सीधा ही आओ भगवान भी तू गई लाइया दो गोलियां बचिए बचिए दमे मारी दे ओ बचिए इसी बार नहीं निकला देना नहीं नाड़ी तीन नहीं पुत्र इसे उम्र कैद करानी उम्र कैद करानी माँ है अमित सिंह की मृतक अमित सिंह की वो उनकी हालत आप इस समय देख सकते हैं। यहाँ पर एक गोली कांड जो है वो कल पेश आया था। एक ससुर ने जिसका नाम दौलत राम है उसने अपने ही दामाद अमित सिंह को गोली मार दी थी और पुलिस भी इस समय पहुंची है, शायद बयान दर्ज करने जो है पुलिस के ऑफिशियल्स भी इस समय पहुंचे हैं और घर में आप हालात देख सकते हैं, गमगीन हालात हैं, लगातार रोने का सिलसिला जारी है। इस जगह पर कल रियासी जिला हेडक्वार्टर के साथ लगता कैमल डंगा का ये इलाका है, इसी घर के ठीक इस स्थान पर गेट के पास ये गोलीकांड सामने आया था जिसमें आर्मी जवान अमित सिंह की दर्दनाक मौत हो गई थी। और अब जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं जवान हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं, यहाँ पर कल भी आए थे और आज बयान दर्ज करने के लिए पुलिस भी रियासी पुलिस स्टेशन से यहाँ पर पहुंची है। और जो ससुर हैं वो कल सुबह यहाँ पर पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं अपनी बेटी को, जो इस घर के बेटा और बेटी अंदर थे, बच्चों के साथ यहीं पर रहते थे, और उसके बाद बेटी अपने पति को बाहर बुलाती है जिसके बाद ये गोली कांड जो है वो सामने आता है। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।